आज भाई हम तौबा करके उठें तो अच्छा पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और जब आप तौबा करके उठोगे ना तो अल्लाह के फजल से आप ऐसे उठोगे जैसे आज माँ के पेट से निकले हो। ये तौबा अल्लाह को इतनी पसंद है। और मैं अल्लाह पे कुर्बान जाऊं, ना उसने कोई वक्त की कैद रखी है और ना अदद की कैद रखी। भाई 60 साल के बाद हुकूमत रिटायर कर देती है तो अल्लाह भी कहेगा 60 साल तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद अब तेरी कोई तौबा नहीं। ठीक नहीं, 100 दफा जुर्म हो या 1000 दफा जुर्म हो या करोड़ दफा जुर्म हो, जितनी दफा हो जाए अल्लाह कहता तौबा करो सारे माफ कर दूंगा, तौबा करो सारे माफ कर दूंगा। सारी धरती जमीन को गुनाहों से भरकर आसमान की छत तक लगाकर एक दफा को या अल्लाह माफ करके तो जाओ सारे माफ करता हूं। तुम माँ से माफी मांगोगे ना, वो कहेगी अच्छा अच्छा मेरा बेटा अब आइंदा तो नहीं करोगे? तुम कहोगे जी बिल्कुल नहीं करूंगा। बाप से माफी मांगोगे ना, वो कहेगा आइंदा तो नहीं करोगे? तुम कहो नहीं करूंगा। जब अल्लाह से माफी मांगोगे ना तो वो एक दफा भी नहीं कहेगा आइंदा तो नहीं करोगे, कहेगा जाओ माफ कर दिया, जाओ माफ कर दे। फिर गुनाह हो जाए फिर आ जाना, हम फिर माफ कर देंगे। फिर हो जाए फिर आ जाना, हम फिर माफ कर देंगे। फिर हो जाए फिर आ जाना, फिर माफ कर देंगे। फिर हो जाए फिर आ जाना, फिर माफ कर देंगे। फिर हो जाए फिर आ जाना, फिर माफ कर देंगे। मैं तौबा तोड़ने के लिए नहीं तैयार कर रहा, मैं मायूसी से निकाल रहा हूं। हमारे नौजवान खतीबों ने लोगों से अल्लाह छीन लिया है, अल्लाह को इतना खौफनाक करके दिखाया है कि जैसे उसने तवा करके छोड़ना है। अरे अल्लाह से ज्यादा मेहरबान कौन है, उससे ज्यादा प्यार करने वाला कौन है? कोई तुम किसी को मनाने जाओ वो तुम्हारा इस्तकबाल करेगा या मुंह फेर के बैठेगा? मैंने बच्चे को थप्पड़ मारा, मेरी माँ नाराज होगी, बच्चे को अपने को मैं मनाने का उनका दफा हो जा मेरी नजरों से दूर हो जाओ, हालांकि मैंने माँ की कोई गुस्ताखी नहीं की। दुनिया में किसी को मनाने जाओगे तो वो यूं करेगा, और मेरा अल्लाह कहता है जो मुझे मनाने आता मैं आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता हूँ। वाह वाह वाह, मजा आएगा नहीं है? जो आगे जो मुझे मनाने आता मैं आगे बढ़ के इस्तकबाल करता हूँ। तौबा करते हो सारे? करते हो सारे? करते हो सारे? तो कहो मेरे साथ या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मेरे रब की कसम, मेरे ओ सुन रहा है, सुन रहा है। अगर आपने दिल से कहा है तो उसकी रहमत की कसम आप सबके गुनाह माफ हो चुके हैं। मैंने भी आपके साथ सच्ची तौबा की है, मेरे भी सब माफ हो चुके हैं। अब आगे फराइज में क्या करना है, वाजिबात में क्या करना है, हुकूक में क्या करना है, ये उलमा बैठे हैं इनसे पूछ लो। लेकिन गुनाह सारे माफ हो गए। नमाज नहीं पढ़ते थे, गुनाह माफ हो गया। किसी का हक मारा था, जुर्म माफ हो गया। हक बाकी है, क्या तफसील है, उलमा से पूछो। नमाज नहीं पढ़ते थे, गुनाह माफ हो गया, कैसे करना है, उलमा से पूछो। लेकिन आप इस वक्त सब वाह ऐसे हो जैसे माँ के पेट से निकले, क्या मजे की बात है, है? बुड्ढा 80 साल का या जवान 18 साल का यूं बैठे हो जैसे ओ शैतान कभी सुधर बैठ गए, सर में मिट्टी डलावे, तारिक जमील ने मैनू बर्बाद कर देता, और इस सारे मजमे मैनू बर्बाद कर देता, इन्होंने सारे यहां तौबा कर ली, और इधर जो ऊपर फरिश्तों का साहिबान है, हैं? तुम्हारे साहिबान तो फटे हुए, फरिश्तों का साहिबान ऐसे कि उनके परों के साथ तुम घेरे में हो, और यहां से लेकर अल्लाह के आसमान तक है। अल्लाह की कसम, अल्लाह आलम गैब से पर्दा हटाता तो जिन होठों से तुमने कहा है तौबा, ये फरिश्ते आके तुम्हारे बोसे लेते। सुभान अल्लाह, जन्नत की हूरें दरवाजे खोल के आ गई हैं। वाह वाह, हमारे खामिद आ गए, हमारे मंगनी करने वाले आ गए। हल मिन खातिबिन, वो जन्नत की लड़की जो थूक डाले तो समंदर मीठे कर दे, वो जन्नत की लड़की जो सूरज को उंगली दिखाए सूरज बेनूर हो जाए, वो जन्नत की लड़की जो मुस्कुरा के देखे तो कलेजे फट जाए, वो जन्नत की लड़की जो एक कदम उठाए तो 1 लाख नखरा नाजो अंदाज दिखाए, वो जन्नत की लड़की जो कलाई को यूं जाहिर करे तो कायनात के अंधेरे रोशनियों में तब्दील हो जाए, वो जन्नत की लड़की जिसको एक नजर देखो तो 40 साल देखने का मजा लेते रहो, वो जन्नत की लड़की जिसको मुआनका करो तो 70 साल मुआनका करने का मजा लेते रहो, वो जन्नत की लड़की जिसको आगे बिठाओ तो लाखों साल देखो तो देखने का मजा खत्म ना हो, और जो मुश्क अंबर जाफरान काफूर से बनी हुई है और तुम्हें देख देख के खुश हो रही है, थोड़ा सा फर्क यह है वो 130 फुट उसका कद है, तुम्हारा 5-5.5 फुट कद है। अब ये मसला बड़ा खराब हो गया, अगर इस साल में मर गए तो वो हमें तो जेब में डाल लेगी। मेरा खामिन शरीफ, खामिन शरीफ, लोरियां दे रही है खामिन शरीफ। तो लिहाजा पठान को परेशान नहीं होना चाहिए, परेशान नजर आ रहा है मुझे, फिक्र न करो।
اللہ تعالیٰ تمہارا قد بھی 130 فٹ کر دے گا 130 فٹ 130 فٹ ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ I'm going to go to the hospital.